अस्सलामु अलैकुम गाइज़, मैं हूँ ज़िया तारिक और आप देख रहे हैं ज़िया एडिट्स। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट जो पोस्टर है कैसे क्रिएट करना है, वो भी पिक्सल लैब में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई जो वीडियो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज, सबसे पहले आपने एक ऐप इंस्टॉल कर लेना जिसका नाम है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और एक PLP फाइल है जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आपने इन दोनों को वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर पिक्सल ऐप आपके मोबाइल में पहले मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और जो PLP फाइल है आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे, कैसे को आपने उसे ओपन करना, अपने अल्फा मैनेजर में चले जाना और वहाँ पे आपको मिलेगा आपका स्टोरेज और वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फोल्डर डाउनलोड फोल्डर के नाम से, ठीक है, जिसमें आप जो भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो आपके इस फोल्डर में चली जाती है। तो आपने सिंपल इस जो फाइल है इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और डीकम्प्रेस फाइल पर क्लिक कर देना और ओके कर देना। ऐसा करने के बाद आपको बोलेगा कि आप अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करें, ठीक है। आपने वीडियो को फुल वॉच कर लेना, मैं कहीं भी बता सकता हूँ कि ये पासवर्ड क्या है, ठीक है। इस फाइल को जो पासवर्ड लगा है कहीं भी बता सकता हूँ। तो आपने इसको पासवर्ड को एंटर कर लेना। पासवर्ड जब आप एंटर कर लेंगे तो ये डिकम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी या एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों का डिकम्प्रेस का ऑप्शन होगा या कुछ का डी जो है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपने ऐसा कर लेना। ऐसा करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इस फाइल को, और इसे कट या कॉपी या मूव आपने इसे कुछ भी कर लेना है। मैं इसे कट कर लेता हूँ और बैक आ जाता हूँ। और बैक आने के बाद आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे एक फोल्डर पिक्सल ऐप, ठीक है। पिक्सल ऐप ओपन करेंगे आपको मिलेगा प्रीसेट्स का एक फोल्डर। तो आपने इसे यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है, और अगेन बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने चले जाना है अपने पिक्सल ऐप वाले फोल्डर, पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है आपने। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने माय प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको मिलेगा PLP। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना और इस एरो पे डबल क्लिक टैप कर देना है। ऐसा करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पिक्सल ऐप वाला फोल्डर ढूंढ लेना है और यहाँ पर मिलेगा प्रीसेट्स और इसे भी ओपन, और लास्ट पर आपको मिलेगा टूर्नामेंट PLP.PLP। आपने सिंपल इसे ऐसे क्लिक करना है, ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर लेना। आपने ओपन एंड ऐड पे क्लिक करना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले प्रोजेक्ट मौजूद है तो मैं इसे ओपन ओनली पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जब ओपन ओनली पे मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा और इसके बाद आपको जो है ना इसका जो फोल्डर है शो हो जाएगा आपको इसका जो मीडिया फायर है। तो कुछ ऐसा करने के बाद आपको जब आप इसे ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना, लेयर पे क्लिक करना। अगर आपने अपनी जो भी पिक्चर चेंज करनी है आपने सिंपल पिक्चर को ऐसे अनलॉक कर लेने, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपने जिस पिक्चर को चेंज करना उसे ऐसे सिलेक्ट हो इस पर क्लिक करके सिलेक्ट पर चले जाना, ठीक है। आपने आपके जो आपको फोल्डर आपके शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल 3 डॉट पर क्लिक इमेज में चले जाना और आपने जो भी पिक्चर ऐड वगैरह करनी है, जो भी जो पिक्चर आपने ऐड करनी है, ठीक है, उसे सिंपल सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3x4 पे आपने क्लिक कर लेने, यहाँ पे आपको मिलेगा 3x4। इसके बाद आपने सर्कल पे क्लिक कर लेना, ठीक है, और इसका साइज आपने छोटा बड़ा करके यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देना, यहाँ ऐसे ऐसे इसे फुल कर लेना जैसे है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो वहाँ पर रेंज चली जाएगी। आप इस साइज पर क्लिक कर देने और यहाँ पे आप इसे ऐसे एडजस्ट कर देने, ठीक है, ऐसे ओके कर देने। उसके बाद आपने सब पिक्चर को ऐसे इनके जो पिक्चर हैं वो चेंज कर लेनी है, ठीक है। अगेन ऐसा ऐसा जब पिक्चर चेंज कर लेंगे तो इनको अगेन लॉक लगा देना, ठीक है। और इसके बाद आपने जो भी कुछ और चेंज करना है, ठीक है, आपने उस लेयर को अनलॉक कर लेना। अगर आपने जो इनाम वगैरह एंट्री फ़ी वगैरह जो भी अगर आपने चेंज करना है सब लेयर को आपने अनलॉक कर लेना। जैसे मैं बता देता हूँ आपको जी, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र का नेम है आपने इसे अनलॉक करना है। ये है जी चीफ ऑर्गेनाइज़र का, आपने डबल टैप करना है, यहाँ पे अपना नेम लिख देना और ओके कर देना है। आपका यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा। अगर इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना, ए पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक साइज़ का ऑप्शन, ठीक है। तो आपने ऐसे बड़ा छोटा कर लेना, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आपने इसका साइज़ कौन सा रखना है। तो इसके बाद आपने सब लेयर को ऐसे अनलॉक कर लेने, ठीक है। तो आपने ऐसा करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मकाम जो बम काम है जिस जगह टूर्नामेंट है और यहाँ पे तारीख लिखनी है किस तारीख को टूर्नामेंट है और आपने सेव पे सेव एज इमेज
और डिफ़ॉल्ट को आपने अल्ट्रा कार्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी प्रेस करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।